Students, subscribe and press the bell icon to never miss an update from 2IITians. To attend live video classes on Heron's formula, kindly contact us. Find the area of quadrilateral ABCD in which AB 3 cm, BC 4 cm, CD 4 cm, DA 5 cm और AC 5 cm. बड़ा अजीब सा बन रहा है quadrilateral. आइए देखते हैं कैसा quadrilateral बन सकता है इसमें. ये 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 A B C D. अब देखिए dimensions देख लीजिए. ये हम लोगों को 3 cm दिया हुआ है, ये 4 cm, ये 5 cm दिया हुआ है, ये 5 cm दिया हुआ है, ये 4 cm दिया हुआ है. ओके अब देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी हमारे पास 3 cm है, बी सी हमारे पास 4 cm है और सी ए हमारे पास 5 cm है. देयरफॉर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. ये हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस 16 इक्वल्स टू 25, है ना. तो सी ए स्क्वायर हमारा 5 आ जाएगा, ऑब्वियसली 5 आएगा, दिया ही हुआ है. हेंस अब ये हम लोगों ने क्यों निकाला है. हेंस दिस ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल. पाइथागोरस थ्योरम इस पे लग रही है, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालते हैं. चलिए यहां पे निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, हाफ बेस इनटू हाइट. तो ये हमारा हो गया हाफ इनटू बेस. कितना होगा यहां पे बताइए. बेस हमारा होगा ये और हाइट होगी हमारी ये, तो 3 × 4, 2 से काटा 2, 3 × 2 = 6 cm², 6 cm² ये वाला एरिया आ गया ये 1 का. अब देखिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट निकालेंगे. नेक्स्ट पार्ट में देखिए एस वाले फॉर्म से निकालेंगे हम लोग. आइए इसको भी देख लेते हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, राइट. अब कुछ नहीं, यहां पे एस का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग. एस इक्वल्स टू ए सी प्लस सी डी प्लस डी ए बाय 2. तो ये हमारा हो जाएगा ए सी हमारा है 5, सी डी हमारा है 4 प्लस 5 बाय 2, 14 बाय 2 7, 7 हमारा आ गया एस. अब एरिया यहां पे करते हैं एरिया इक्वल्स टू अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी. ये हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट एस हमारा है 7, 7 - 5, 7 - 4, 7 - 5. तो ये हमारा हो गया अंडर रूट 7 × 2 × 3 × 2. 2 कॉमन है, क्या हो जाएगा 2√7 × 3 = 21. ये हमारा आ गया 2√21. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या आएगा,
जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। रूट टू को आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो चाहे तो, रूट 21 को 9 और 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। हेंस रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू 6 + 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर।